What's up guys, this is Deepak Sharma. So guys, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन पर क्लिक कीजिए. इसका फायदा यह होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूंगा वो अपने आप तक पहुंच जाएगी. So guys, आज का मेरा टॉपिक है डाइट चार्ट के ऊपर. क्योंकि guys, अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो 7-8 महीने पहले मैं कुछ ऐसा हुआ करता था. तो गाइस, मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और भी बहुत लोग मिलते हैं और वो भी मुझसे पूछते हैं कि भाई तूने क्या लिया, कैसे लिया. सो गाइस, ऐसे ही आज मैं आपको कुछ थोड़ी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा जो कि मेरे कुछ डाइट चार्ट के बारे में है और जो कि बिल्कुल लो बजट में है. ये नहीं कि आपको सप्लीमेंट पे पैसे खर्च करने, आपको अपने प्री वर्कआउट पे पैसे खर्च करने, ऐसा कुछ नहीं है. आपको बिल्कुल जो आपके घर में या फिर जो आपके आसपास चीजें अवेलेबल है आपको उसी पे पैसा खर्च करने, बाकी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है गाइस. तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं. पहले मैंने आपको बताया कि मैं ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट हूँ गाइस. सो गाइस, अब मैं बात करूँ डाइट चार्ट की, तो जो मैंने डाइट चार्ट आपके लिए बनाया है वो बिल्कुल लो बजट में है. इसके लिए आपको कोई सप्लीमेंट या प्री वर्कआउट ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है. इसमें वो आइटम है जो आपके घर में भी अवेलेबल है और आप जो बाहर से भी बिल्कुल आसानी से खरीद सकते हैं. सो गाइस, साथ ही इसके अंदर मैंने कुछ कैलोरीज मेंटेन करके रखी है, यानी कि एक नॉर्मल वुमन को पर डे कम से कम 1600 से 1800 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके अंदर आपको 2600 तक कैलोरी मिल जाएगी. सो गाइस, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप इंजेक्शन वगैरह या फिर स्टेरॉइड वगैरह लेके अपनी बॉडी वगैरह बनाते हैं तो उससे आपकी बॉडी तो बन जाएगी, लेकिन जहां आपने अगर 1 या 2 मंथ का गैप किया तो वापस आप अपनी बॉडी को खो बैठेंगे. लेकिन अगर आप अपनी बॉडी नेचुरल बनाते हैं, सो गाइस, अगर आप 1 या 2 मंथ भी अपने जिम को गैप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में ओनली 10 से 20% फर्क पड़ा है, बाकी आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है. सो गाइस, चलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ अपना डाइट चार्ट. सो गाइस, स्टार्ट करें मॉर्निंग से. तो मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट में लेना 1 कप स्वीट दलिया. गाइस, अगर आपको स्वीट दलिया पसंद नहीं तो गाइस आप नॉर्मल दलिया ले सकते हैं. उसके बाद आपको लेना 500 ml मिल्क एंड गाइस एनी फ्रूट. एंड फ्रूट में गाइस अगर आप बना ले वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि याद रखें कि आप अपना वेट गेन कर रहे हैं. एंड गाइस, आप ले सकते हैं ओट्स. एंड गाइस, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप 3x ले सकते हैं. एंड गाइस, ऐसा भी नहीं कि आप ये 500 फूड एक साथ लें या एक ही दिन में सारे फूड आप गेन करने लगे, क्योंकि अगर आप आज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप कोई भी 2 फूड आज ले सकते हैं. जैसे कि आज आपने लिया दलिया और साथ में मिल्क, और उसके बाद आप नेक्स्ट डे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो गाइस आप ले सकते हैं कोई 2 फ्रूट, मतलब आपने 2 बनाना लिए और साथ में मिल्क लिया. सो गाइस, आप अपना डेली ब्रेकफास्ट रूटीन में चेंज कर सकते हैं. गाइस, अब बात करें आपके स्नैक्स की, तो आप स्नैक्स में स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी ले सकते हैं. एंड गाइस, ब्राउन ब्रेड विद जैम. अगर आप जैम यूज नहीं करते तो गाइस आप पीनट बटर ले सकते हैं. एंड गाइस, बॉइल पोटैटो विद कर्ड एंड हनी. एंड गाइस, आप उबले हुए आलू ले सकते हैं शहद और दही के साथ. एंड गाइस, नाउ स्टार्ट विद लंच. लंच में आप 3 रोटी एंड 4 रोटी ले सकते हैं किसी भी सब्जी के साथ, और साथ में आप ले सकते हैं व्हाइट राइस विद दाल एंड कड़ी या फिर राजमा या छोले. एंड गाइस, साथ में आप ले सकते हैं दही. एंड गाइस, जो आप रोटी लेंगे उसमें वो नहीं कि आप घी वगैरह लगा के या फिर तेल वगैरह लगा के या फिर बिल्कुल आप उसको पराठे बना के खा रहे हैं, आपको बिल्कुल नॉर्मल रोटी लेनी है. एंड गाइस, आपको याद रखें आप जो वेजिटेबल लें ज्यादा से ज्यादा या तो ग्रीन वेजिटेबल हो या आपकी पल्सेस या फिर दाल हो. एंड गाइस, बारी आती है आपके द्वारा स्नैक्स की. स्नैक्स में आप चाहे तो जो आपने पहले स्नैक्स लिया तो वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप कुछ डिफरेंट लेना तो आप द्वारा स्वीट दलिया ले सकते हैं. एंड साथ में कोई फ्रूट ले सकते हैं, आप कोई भी नट्स यानी बादाम, काजू, किशमिश, छुआरे कुछ भी ले सकते हैं. एंड गाइस, आप चाहे तो एग्स ले सकते हैं. एंड आप चाहे तो गाइस पनीर भी ले सकते हैं. सो गाइस, अब आपकी होती है शाम और अब आपका आता है वर्कआउट टाइम. वर्कआउट टाइम में आप वर्कआउट से पहले अपने प्री वर्कआउट में बनाना शेक यूज कर सकते हैं. एंड गाइस, जब आपका पूरा वर्कआउट फिनिश हो जाता है उसके बाद अपने पोस्ट वर्कआउट में आप प्रोटीन शेक यूज कर सकते हैं. एंड गाइस, अगर आप प्रोटीन शेक यूज नहीं कर रहे हैं तो गाइस आप 5 and 6 eggs यूज कर सकते हैं. गाइस, याद रखें कि जब भी आप वो एग्स लें आपको उस एग्स के अंदर का जो येलो पोर्शन है वो आपको नहीं खाना है. बात आती है आपके डिनर की. तो गाइस, डिनर में आपको लेना होता है हैवी मील. सो गाइस, आप डिनर में चाहे तो व्हाइट राइस या ब्राउन राइस ले सकते हैं, या फिर अगर आप क्या ओनली व्हाइट राइस बने तो आप उसको दाल या कड़ी या राजमा या कोई भी ऐसी पल्स जो आपके यहाँ बने आप उससे ले सकते हैं. आप साथ में सलाद ले सकते हैं, या फिर आप 2 रोटी ले सकते हैं पनीर के साथ, रोटी ले सकते हैं आप चिकन के साथ या फिश के साथ, जो भी आप क्या बनाए उसके बाद रोटी ले सकते हैं. सो गाइस, इधर डाइट प्लान अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर गाइस आप
मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो गाइस इसको आप मॉर्निंग के अकॉर्डिंग में यूज कर सकते हैं। सो गाइस ये था आपका लो बजट डाइट चार्ट, एंड गाइस इसमें आपको कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई ज्यादा वो नहीं, ये आपके हाउस में इजीली अवेलेबल है। गाइस अगर आप मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे हैं तो याद रखें कि आपका डे मील हैवी होना चाहिए। गाइस ये तो आपके लिए बिल्कुल लो बजट में डाइट चार्ट, इसके लिए आपको कोई अपना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी सप्लीमेंट में आपको पैसे नहीं लगाने, किसी स्टोरेज में आपको पैसे नहीं लगाने। एंड गाइस आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, आप जब भी किसी अपने बड़े को देखें, आप उसकी बॉडी को देखें, तो उसको देखकर यू ना सोचे कि मुझे भी अपनी बॉडी ऐसी बनानी है, वो भी जल्दी बनानी है। आपकी बॉडी वैसी बन जाएगी गाइस, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप स्टेरॉइड वगैरह लेके बॉडी बनाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, तो गाइस आपकी बॉडी वैसी बन तो जाएगी, लेकिन गाइस उसके तो आपके साइड इफेक्ट होंगे आपकी बॉडी पे, वो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे गाइस। सो गाइस प्योर बॉडी बनाइए, हेल्दी बॉडी बनाइए, खुश रहिए। सो गाइस ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और गाइस साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके गाइस बाय, टेक केयर।